एक राजा था, तरह तरह की मूर्तियों का बेहद शौकीन। उसके महल में बड़े बड़े कारीगरों की बनाई मूर्तियां थी। इनमें से तीन मूर्तियों में तो जैसे उसके प्राण बसते थे। इन मूर्तियों के रखरखाव के लिए उसने अलग से एक सेवक रखा हुआ था। एक दिन साफ सफाई के दौरान सेवक के हाथों उन तीन मूर्तियों में से एक टूट गई। राजा ने क्रोध में आकर सेवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जब सेवक को सजा के लिए ले जाने लगे तो उसने जाने से पहले बाकी बची दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। राजा गुस्से से अपना आपा खो बैठा। उसने सेवक से पूछा, तुम्हें यहाँ मूर्तियों की देखरेख के लिए रखा गया था। एक मूर्ति शायद तुमसे लापरवाही से टूट गई होगी, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बाकी बची दोनों मूर्तियां भी तोड़ डाली। मरने से पहले बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सेवक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, एक मूर्ति तोड़ने की सजा मृत्युदंड है और तीन मूर्तियां तोड़ने की सजा भी मृत्युदंड ही है। ये दोनों मूर्तियां कभी न कभी तो टूटती। जिसके हाथ से टूटती उस सेवक को मेरी ही तरह मृत्युदंड मिलता। मुझे तो ये दंड मिल ही चुका है, इसलिए दूसरे सेवकों की जान बचाने के लिए मैंने ये दोनों मूर्तियां तोड़ डाली। सेवक की बात सुनकर राजा को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, मैं निर्जीव मूर्तियों के लिए ईश्वर के रचे अनमोल मानव जीवन को तुच्छ समझ रहा था। राजा ने सेवक की सजा माफ करते हुए सही न्याय किया। इसी आशा के साथ कि ये नन्ही सी कहानी आपको पसंद आई होगी, मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा, पर जल्दी ही लौटूंगी यहीं एपिक धारा में।